का व्यू भी देख लो गाइस कितना बढ़िया आ रहा है। तो मस्त प्यारा सा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे सीढ़ी देख सकते हो किस तरह से, पूरा पत्थर का सीढ़ी है ये वाला। तो गाइस मेरे पास अब ये वाला ही रास्ता है, पर ये वाले रास्ते से मुझे जाना है अभी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज निकल पड़े आज हम एक नए एडवेंचर के लिए। तो गाइज आज हम एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक मंदिर है और सामने एक झील है। तो वहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे किस तरह से। तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आता है नरसापुर में, नरसापुर के पास ही है वो। तो वहाँ से जाते अगर आपको दिखाएंगे किस तरह से। तो चलो चलती है। तो अभी लगभग 11 o'clock हो चुका है, तो 11 बजे हम निकलने वाले। तो तब तक इधर अभी थोड़ा खाना खा लेते, खाना खाने के बाद निकलते। तो हे गाइस अभी हम खा रहे खाना। तो खाने में है चावल और क्या सब्जी बना रहे, अंडे का सब्जी बनाए। तो अंडे का सब्जी और चावल हम खाते, तो उसके बाद चलते। ऐसा भी हमारा खाना पीना हो चुका है, तो अभी हम रवाना होते हैं एडवेंचर के लिए। तो चलो चलते। ए, इसने मेरा जूता कहाँ रख दिया रे? मेरा जूता 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 साजन, मेरा जूता कहाँ है रे? इधर कितना सारे जूते पड़े हुए, ये सभी कंपनी के, इधर भी जूता है, इधर भी जूता है, ये वाला। अरे हाँ यहाँ पर है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जूता पहन के। तो हे गाइस अभी हम निकल चुके हैं तो एडवेंचर के लिए। तो हे गाइस अभी हम निकल चुके हैं नरसापुर के लिए। तो हे गाइस फाइनल हम हाईवे पे उतर चुके हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे एडवेंचर करने के लिए। यहाँ से पास में एक लेक है, तो उस साइड में देख सकते हो गाइस, हाईवे के अपोजिट साइड में उधर लेक है। तो वाला लेक एक्सप्लोर करेंगे, तो उधर का लेक दिखाएंगे किस तरह से एडवेंचर हुआ का। तो चलो चलते यहाँ से। तो गाइस देख सकते हो ये वाला हाईवे और यहाँ से पूरा फास्ट गाड़ी आ रहा है। तो ये गाइस यहाँ से तो रास्ता है नहीं जाने के लिए, यहाँ से पूरा पैक है। तो उधर का आपको नज़ारा दिखा पाऊंगा पता नहीं मैं मुझे तो, लेकिन रास्ता मुझे दूसरा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है हम लोग को कहाँ तक है झील। तो यहाँ से ऊपर जाके दिखाता हूँ गाइस, ये वाला पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी के ऊपर से जाके दिखाता हूँ किस ऊपर का नज़ारा किस तरह से दिखता है। तो लेकिन और एक पहाड़ी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वहाँ का सा वहाँ से व्यू गाइस बहुत बढ़िया आएगा। तो वहाँ से दिखते हम लोग का आता है क्या व्यू। तो लेकिन यहाँ से सही से व्यू नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा इधर से आगे से। तो इधर भी रास्ता जाने के लिए है नहीं है, तो हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, दूसरा रास्ते चलते हैं। क्योंकि पहले ऊपर जाके देखते व्यू आता है क्या तो उधर से। तो यहाँ का व्यूज देखो गाइस, इतना काफी अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ का व्यूज। तो आगे झील है, तो बड़ी बहुत बड़ी झील है ये वाली। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के लिए बीच में घास है, लेकिन हमको पता नहीं है वहाँ का किस तरह से घास है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ी घास है वहाँ पे, हरियाली दिख रही होगी आपको बीच में और सामने वाला लेक दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो यहाँ से व्यू भी नहीं आ रहा सही से। हम लोग आपको दूसरी तरफ से व्यू दिखाते हैं, लेकिन यहाँ का व्यू सही नहीं है, तो यहाँ से चलते दूसरी तरफ। तो गाइस काफ़ी मस्त झील है ये वाला। तो एक साथ ही साथ में आपको एक पहाड़ी भी एक्सप्लोर करने वाला हो, तो वहाँ का गाइज एक नंबर आएगा, फुल एडवेंचर रहेगा वो वाला। तो ये तो साथ में वो पहाड़ी के पास में ये झील पड़ता है, इसलिए आप लोग को ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमको नीचे उतरना है सही से। यहाँ का पत्थर देख लो गाइज कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ पे पत्थर देखो बहुत बड़ा पत्थर है ये वाला, और ये पत्थर के ऊपर एक पत्थर, पत्थर के ऊपर एक पत्थर, इस तरह से वो पूरा चापट पत्थर है ये वाला। तो वहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता होगा पता नहीं है, लेकिन मस्त दिख रहा है वहाँ से। देखते हैं रास्ता है क्या। तो नहीं, शायद खतरा भी हो सकता है क्योंकि बहुत घास ज़्यादा है यहाँ पे, तो सही जगह नहीं चढ़ने के लिए ऊपर। और अपन यहाँ वाला पहाड़ी बहुत सही लग रहा है मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए। गाइस अभी हम आपको दूसरी तरफ से व्यू दिखाते हैं क्योंकि उस साइड से व्यू सही से नहीं आ रहा है। तो ये वाला हाईवे जा रहे हैं, हाईवे से हम जा रहे हैं आगे। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो वो वाला झील है, लेकिन वहाँ से हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा जाने के लिए क्योंकि रास्ता मिल नहीं रहा है। तो ढूंढते हैं रास्ता किस तरह से जाता है। तो गाइस ये वाला है बजरंगबली का मंदिर, और सामने वाला देखते हो आप तो पहाड़ी, वो वाला पहाड़ी है। तो यहाँ से सही से नहीं दिख रहा है, तो दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ किस तरह से पहाड़ी है। तो गाइस अभी हम रास्ता ढूंढते कहाँ से जाना है, तो क्योंकि यहाँ का व्यू देख सकते हो किस तरह से। तो यहाँ से मुझे रास्ता पता नहीं किस तरह से जाना है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं यहाँ से, तो फिसल भी सकता हूँ। तो मुझे सही वाला रास्ता ढूंढना चॉइस करना पड़ेगा। और हवा गाइस काफी तेज चल रही है। सही से जाना पड़ेगा गाइस यहाँ से, देख सकते गाइस वहाँ का व्यू किस तरह से, और यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो काफी मुश्किल रास्ता ये वाला,
गाइस ये वाले ये देख सकते हो यार, यहाँ पे गलत बात है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टी करता है, किधर भी कुछ भी डाल देता है। शीशे का बॉटल, दारू का बॉटल यहाँ के फूट चुके हैं गाइस, और यहाँ पे ये पूरा कांच बिखरा हुआ है। तो गाइस क्या होता है ना, कभी मतलब कोई चप्पल भी अगर पहन कर नहीं आएगा तो उसको चुभ भी सकता है ये वाला। तो गाइस प्लीज़ ऐसा मत किया करो। लेकिन यहाँ देख सकते हो गाइस, पूरा ग्लास यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये वाला भी पत्थर ग्लास फूट चुका है, इधर भी बियर का बॉटल पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो हे गाइस अभी और ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ उधर से क्यों किस तरह से व्यू आता है। तो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, तो यहाँ से रास्ता पता नहीं किधर से है, तो यहाँ से देखते हैं रास्ता कहाँ से मिलता है जाने के लिए। गाइस अभी हम लोग को यहाँ से जाना है अभी सीधा ऊपर, तो यहाँ से थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि सीधा सही रास्ता नहीं यहाँ से। ओ भाई यहाँ की पहाड़ी देख लो ना, कितना गजब का आ रहा है यहाँ से लोकेशन। तो गाइस कसम से बोलो ना गाइस, यहाँ का व्यूज देख लो गाइस, कितना गजब का आ रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतना बड़ी बड़ी पहाड़ी और इधर भी देखो गाइस कितना बड़ा बड़ा पत्थर है। तो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला यार ये वाला एडवेंचर करके। तो मैं अकेला हूँ, अगर मेरे साथ में कोई दोस्त होता ना तो काफ़ी मज़ा आता। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ तो कोई बात नहीं, कुछ कोई भी कुछ बनना है तो कुछ भी करना है तो खुद मेहनत करना पड़ता है। तो कोई किसी के भरोसे अगर बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। तो अभी चलते ही ये वाला ऊपर, इससे ऊपर जाएंगे अभी। तो सूरज आ रहा है तो सूरज से सही नहीं दिख रहा है आप लोग को। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस साइड से, इधर से ऊपर जाके दिखते हैं तो उधर का व्यू किस तरह से आता है। तो देख सकते गाइस घास है यहाँ पे, तो यहाँ से सही से जाना पड़ेगा हम लोग को। गाइस यहाँ तक आ चुके हैं अभी, यहाँ का नजारा देख सकते गाइस पूरा ऊपर। तो यहाँ से अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे, हिंदी आता है तो मंदिर की तरफ से रास्ता जाने के लिए कहाँ से? हाँ हाँ इधर से वाला इधर से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वाले मंदिर पर, तो उधर पहाड़ी पे मंदिर है तो पहाड़ी के ऊपर से जाएंगे। एग्जाम है उधर से है ना रास्ता? हाँ उधर से, ठीक है। तो गाइस ये बंदे हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं अभी किधर से जाना है। तो ये वाला बंदा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, तो गाइस तो इनके साथ जा रहा हूँ मैं अभी। हाँ? इधर से स्ट्रेट में उधर से है ना? उधर से डायरेक्ट रोड में जाता। ठीक है ठीक है, थैंक यू। नाम क्या है तुमका? कार्तिक। और तुम्हारा? योगेश। ठीक है, थैंक यू भाई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इधर से ऊपर सीधा, तो काफी डिफिकल्ट रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जाएंगे। ऊपर का नजारा दिखाएंगे आप लोग को किस तरह से है। तो दो लोग कनाडा मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया किधर से जाना है, तो लोकल थे वो लोग। संभल के जाना पड़ेगा भाई, पूरा देख सकते हो इधर किस तरह से पूरा प्लेन है ऐसे यहाँ पर। अगर नीचे चला जाऊँगा नहीं तो मैं थोड़ा ये वाला देख सकते हो गाइस कैसा है। ओहो इधर से हमें लोग का भी सीधा ऊपर जाना है, तो सीधा नीचे होके जाना पड़ेगा हम लोग को ऐसा। और फुल एडवेंचर गाइस यहाँ पे, तो पत्थर ही पत्थर यहाँ पे, तो पत्थर से थोड़ा ध्यान देके भी जाना पड़ेगा हम लोग। उधर से मैं डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ। तो गाइस अभी हम लोग को यहाँ से सीधा ऊपर जाना पड़ेगा, तो इधर घास है थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि घास में कुछ भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कैसा जंगल है, तो यहाँ से पूरा सीधा जाना पड़ेगा। झाड़ियाँ ज्यादातर है गाइस यहाँ पे, थोड़ा संभल संभल के जाना पड़ेगा और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। मजा आ रहा है हम लोग को ऊपर जाने के लिए, कुछ भी हो अकेला हो लेकिन मुझे पूरा फुल मजा आ रहा है। और जो यहाँ का व्यूज देख रहा हूँ ना गाइस मैं, तो कसम से बहुत मजा आ रहा है देखने के लिए व्यूज। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ से पूरा होके यहाँ तक आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे कोई चुलाक चला के भी पार्टी होती है गाइस यहाँ पे। तो गाइस शायद हो सकता है यहाँ पे कोई एडवेंचर वाला कोई आया होगा और यहाँ पे जंगल में पार्टी की होगी पहाड़ों में। तो गाइस पहाड़ों में ना पार्टी करने का मजा ही कुछ अलग आता है, मतलब एक देसी वाला फील, जैसे कि तुम खुद खाना बनाओ, मतलब जंगल में जाओ उधर से रूम से खाना लेके आओ और वहाँ जंगल में खाना पकाओ, तो गाइस बहुत मजा आता है वो उस तरह से खाना खाने के लिए। चलो चलते दूसरे साइड में। तो गाइस इधर से रास्ता नहीं है, तो भाई ये लोग फिर से मिल गए, तो ये रास्ता दिखा रहे हैं हम लोग को किधर से जाना है। तो इनके साथ जाते हैं तो दिखाते हो किधर से रास्ता है। तो शायद ये इधर पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में भाई आप लोग? 8th क्लास। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा ऊपर, तो यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो गाइस यहाँ का फुल एडवेंचर गाइस आज का, तो मजा आ रहा है ऊपर जाने के लिए। क्या रास्ता देख सकते हो गाइस किस तरह से, सीढ़ियां नहीं यहाँ पे। थोड़ा
तो गाइस यहाँ पे सीढ़ी देख सकते हो किस तरह से पूरा पत्थर का सीढ़ी है ये वाला, और इस सीढ़ी से हम लोग को ऊपर जाना है। ये वाला गाइस ये वाला बजरंग बली का मंदिर है, देख सकते हो कितना मस्त मंदिर है। ये कौन सा भगवान है? शायद कोई देवी का मंदिर है ये वाला, तो अंदर जाके देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये वाला मंदिर है, यहाँ पे देवी का मंदिर है। तो गाइस मस्त नजारा आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से भी हम जा रहे सीधा, देखते यहाँ का व्यू दिखा दो गाइस किस तरह ऐसा है। तो है गाइस फाइनली पहुंच चुका मैं मंजिल के पास गाइस, तो आपको बोला था मैं ऊपर जाके मैं झील दिखाऊंगा किस तरह से व्यू आता है। तो गाइस फाइनली देख सकते हो किस तरह व्यू आता है इधर से, और फुल मजा आ रहा है गाइस। वो वाला पहाड़ी है बड़ा वाला का व्यू भी देख लो गाइस कितना बढ़िया आ रहा है, तो मस्त प्यारा सा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ये वाला है नरसापुर और ये वाला है उसका झील, तो काफी मस्त लग रहा है गाइस ये वाला जंगल है। और यहाँ से हम लोग को उधर से हम लोग आए थे, उधर से पूरा एडवेंचर करके यहाँ तक पूरा ऊपर आए थे हम लोग गाइस, फुल मजा आया था ऊपर आने के लिए। तो गाइस एक दिन आप लोग को ये वाला ऊपर वाला पहाड़ी भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, और वहाँ पे भी एक मंदिर है वाला मंदिर भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा गाइस। तो कमेंट में बताना गाइस किस तरह से व्यू आ रहा है ये वाला, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी एडवेंचर करने के लिए वाली, और काफी मुश्किल भी थी यहाँ तक आने के लिए। तो फाइनली अभी हम चलते यहाँ से नीचे। गाइस अभी हम जा रहे सीधा मार्केट में, तो यहाँ से जाएंगे सीधा नरसापुर मार्केट, और वहाँ से कुछ शॉपिंग भी करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं फुल एडवेंचर है, तो संभल के जाना पड़ेगा हम लोग को, ध्यान दे के देखिए जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत खतरा है यहाँ पे। तो गाइस कमेंट में बताना गाइस किस तरह से लगा आप लोग को ये वाला ब्लॉग, तो फिर से इस तरह से कुछ नए एडवेंचर करेंगे, नया एडवेंचर करके नया पहाड़ी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आप लोग को। गाइस फाइनली हम लोग को आपको ये वाली पहाड़ी भी एक्सप्लोर करके दिखा दी है किस तरह से थी। तो अभी इसके बाद हम जाएंगे नजदीक में देखेंगे झील किस तरह से नजदीक से झील दिखता है। तो उसको तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं अभी झील के पास, और यहाँ से रास्ता ही का पता नहीं। तो गाइस काफी डिफिकल्ट होने वाला है गाइस ये वाला ऊपर जाने के लिए, तो देख सकते हो गाइस किस तरह से रास्ता है और किस तरह से पहाड़ी है ये वाला, और ये पहाड़ी से मुझे अभी ऊपर जाना है। तो देखते हैं किस तरह से जाता है, तो कोई दूसरा रास्ता है तो वाले रास्ते से जाती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी पकड़ने के लिए जगह नहीं है। अगर थोड़ा सा स्लिप हो जाएगा ना तो पूरा नीचे आ जाऊँगा मैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कौन सा रास्ता है। तो लगता है शायद गाइस ये वाला रास्ता सही है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह पर पत्थर है, तो ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के लिए रास्ता देखो गाइस किस तरह से है। तो गाइस यहाँ से भी रास्ता है नहीं जाने के लिए, तो देख सकते हैं गाइस किस तरह से रास्ता है, और इस तरह से ऊपर जाना है हम लोग को। तो यहाँ से जाने के लिए बहुत खतरा है गाइस मुझे, तो इधर से भी मैं नहीं जा सकता, क्यों देख सकते हो गाइस काफी फिसलन है, और पकड़ने के लिए पकड़ भी नहीं आएगी नहीं सही से। तो ये वाला एक रास्ता है, इधर से थोड़ा सा गैप है, लेकिन ऐसे तो मैं जाके देखता हूँ एक बार। गाइस मेरे पास अब ये ये वाला ही रास्ता है, और ये वाले रास्ते से मुझे जाना है अभी, तो देखते काफी फिसलन सा ये वाला रास्ता, कितना कैसा खाई है देखो पूरा ये वाला है, और इसका सही इधर पकड़ के मुझे ऊपर जाना है। तो गाइस अभी यहाँ तक तो आ चुका हूँ मैं, तो इधर से भी मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो गाइस किस तरह से खाई ये वाला, गाइस यहाँ से रास्ता देखो पूरा छलान लगा लगा कर जाना है मुझे यहाँ पे वहाँ तक। फिर गाइस फाइनली ये वाले लेक के पास पहुँच चुके हैं, तो गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा ये लेक है। तो गाइस वहाँ वो वाले पहाड़ी से आपको एक्सप्लोर करके दिखाया था लेक किस तरह से व्यू आ रहा था। तो गाइस फाइनली अभी हमने नजदीक से भी दिखा दिया ये वाला लेक किस तरह से है। तो गाइस बताना ये वाला लेक आपको किस तरह से लगा, और काफी नदी जैसा लग रहा है ये वाला, उधर देख रहे हो बंदे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो गाइस फाइनली मस्त मजा आ रहा है ये वाला लेक एक्सप्लोर करके, चलो चलते हैं, और यहाँ का सिनेमेटिक शॉट भी देख लो। गाइस अभी फाइनली लेक एक्सप्लोर करके दिखा दिया आपको, अभी हम जा रहे हैं मार्केट में सब्जियाँ लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो हे गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम मार्केट में, तो यहाँ सब जैसे तो मार्केट भरा हुआ है। तो मार्केट हो चुका है हम लोग का, तो ये जो ये वाला मार्केट ही है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम पर, तो यहाँ तो हे गाइस अभी यहाँ पे बनना चालू है सब्जी। तो हे गाइस अभी हम खा रहे हैं खाना, तो खाने में रोटी और सब्जी इधर, तो रोहन भाई खा रहा है। तो हे गाइस फाइनली हम लोग का खाना पीना हो चुका है, तो अभी मैं आया हूँ छत पर तैरने के लिए, तो काफ़ी अंधेरा है इस साइड में देख सकते हो गाइस।
तो गाइस आज का एडवेंचर आपको किस तरह से लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। तो इस तरह से और एडवेंचर ब्लॉग आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ मैं नए नए ब्लॉग लेके आऊँगा। और साथ ही में आपको जो बैसल लाइफस्टाइल वाला ब्लॉग है वो भी देखना पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कौन सा ब्लॉग आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वो बताना हम लोग को, तो वही वाला कंटेंट हम ज़्यादा आगे लेके चलेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मिलते हैं ब्लॉग में, चलो।